हेलो फ्रेंड्स, अभी के टाइम में अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स वॉच कर रहे होंगे तो वहां पर आप लोग देख रहे होंगे, वहां पर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को जो कि मिल रहा होगा दोस्तों। वहां पर आप लोग देख रहे होंगे ट्राई सीक्वेंस नाम का एक ऑप्शन आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। चार पांच रील जब आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो वहां पर ये देखने को ऑप्शन जो कि मिलेंगे दोस्तों। तो आखिर ये क्या चीज़ है सीक्वेंस दोस्तों, क्या चीज़ है, कैसे यूज करते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होगा दोस्तों, आइए इस वीडियो आपको बताते हैं दोस्तों। तो वीडियो को इंटेक्ट देखते रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीक्वेंस क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे से यूज करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को इंटेक्ट देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों सीक्वेंस दोस्तों क्या है। यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट नजर जो कि आ रहा हुआ है कि यहाँ पर हम जो लगाए हुए हैं देख रहे हैं दोस्तों, इस स्क्रीन शॉट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन सीक्वेंस। यहाँ आपको सीक्वेंस के बारे में इंट्रोडक्शन जो दिया जा रहा है, क्या बेनिफिट्स है, यहीं पर आप समझ जो कि आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चले फॉर्मली पार्ट ऑफ रिमिक्स, ये जो रिमिक्स है जो हम रील्स रिमिक्स करते हैं उसका एक पार्ट है दोस्तों। सीक्वेंस इज नाउ इट्स ओन फीचर, सीक्वेंस का जो फीचर है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दर्शाया जा रहा है जो कि यहाँ पर वो देख सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए आपको इडिजिट इंक्रिक्शन, एड क्लिप टू द एंड ऑफ ए पब्लिश रील्स विद जस्ट ए फ्यू स्टेप्स। यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहा है कि जो कोई भी पब्लिश रील है उसका आप लोग एक एड क्लिप ले सकते हैं एंड का, और उसे आप लोग टैप कर कैमरा सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैमरा ऑप्शन, उसको आप लोग ट्रिम कर ओरिजिनल रील्स को फर्स्ट और या स्किप कर रिकॉर्ड को अपलोड जो कि कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है सेम कंट्रोल है रिमिक्स, जो आपका सीक्वेंस दोस्तों रिमिक्स जो ऑप्शन है उसी से दोस्तों कंट्रोल जो कि होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग जान गए दोस्तों कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस से हम क्या बेनिफिट्स है यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग गो टू ईट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद साउंड को पहले म्यूट कर देंगे यहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पर साउंड को म्यूट कर दें। म्यूट करने के बाद चलिए हम यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रील्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना कर चलिए हम अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चलिए हम एक भी रील्स को चूज कर लेंगे, यहाँ से हमने इस रील्स को चूज कर लिए। चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को यहीं पर वो ऑप्शन देखने को जो कि मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जो यहाँ थ्री डॉट बटन दिया है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आपको यहाँ पर सीक्वेंस नाम का यहाँ पर ऑप्शन देखिए नजर जो कि आ रहा होगा दोस्तों। ठीक इसके बगल में आप लोग देख रहे हैं रिमिक्स, यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर जो कि आ रहा है दोस्तों। तो हमें सीक्वेंस पर दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रील्स चूज करने के बाद आपको कितना पार्ट अपना रखना है वीडियो में पहले वो सेलेक्ट कर लीजिए, चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इतना हमें पार्ट रखना हुआ। रखने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपको अपना क्लिप को ऐड जो करना हुआ, यहाँ से आप गैलरी में से भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर शूट भी कर सकते हैं कैमरे को फ्रंट एंड बैक साइड से क्लिक कर आप लोग जो कि कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग फ्रंट साइड कैमरे करेंगे और यहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम 3 सेकंड मिनिमम में यहाँ पर शूट करने वाले हैं, शूट करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो वीडियो क्लिप जो कि रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए एडिट वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर हम इसे एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी हमें एडिट करना होगा एडिट यहाँ से कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऐड क्लिप, हमें और भी इसमें क्लिप जो कि ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट हमें ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन जो कि मिल रहा है और ऐसे पैन एंड जूमिंग भी कर सकते हैं रील्स को। तो यहाँ पर आप लोग हो गया, चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस रील्स को हम लोग अपलोड कर देंगे। तो पहले जो इस तरीके का मेथड था वो उसे हमने रिमिक्स रील्स करते थे, अब दोस्तों चेंज हो चुका है, अब हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों ये बात जरूर दोस्तों जान लीजिए दोस्तों। पहला दोस्तों ये बात ये है कि आप लोग हर रील्स को आप लोग सीक्वेंस जो कि नहीं कर सकते, रिमिक्स जो कि नहीं कर सकते दोस्तों। इसके पीछे कारण ये है कि दोस्तों हर रील्स का जो कि रिमिक्सिंग दोस्तों ऑन नहीं रहता है, जिसके कारण आप लोग हर रील्स को सीक्वेंस या रिमिक्स जो कि नहीं कर सकते दोस्तों। जिसका ऑन रहेगा उसी का केवल आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। सेकेंड दोस्तों बात यह है दोस्तों कि जो भी आप रील्स को रिमिक्स कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले जान लीजिए किसका रील्स है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरा आप लोग पार्ट ना लीजिए, केवल आपको स्टार्टिंग का या एंडिंग का जो मिड का भी पार्ट लेना होगा तो केवल आप 7 सेकेंड, 10 सेकेंड या 12 सेकेंड, इससे अधिक आप लोग ना यूज कीजिए, नहीं तो आपको इनकेस कभी जो ऑनर है दोस्तों कॉपीराइट क्लेम ये देने का खतरा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसके कारण आपको बता रहे हैं दोस्तों रील्स जो आप रिमिक्सिंग करते हैं तो सोच समझ के रिमिक्सिंग जो कि कीजिए दोस्तों। ये नहीं कि उठिए पूरा पार्ट को लीजिए और रिमिक्सिंग करके डाल दीजिए, ऐसा नहीं दोस्तों। सोच समझ के जितना आपको पार्ट लाइक है यूज करने लायक है उतना ही आप लोग यूज कीजिए। इस वीडियो को इंटेक देखने के बाद आप जान गए होंगे दोस्तों सीक्वेंस दोस्तों क्या चीज है, कैसे से यूज करते हैं, क्या हमें इससे बेनिफिट्स होगा आप लोग जान गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी माइंड में डाउट है कंफ्यूजन है तो प्लीज नीचे आप लोग कॉमेंट कीजिए दोस्तों। तो जय हिंद
जय भारत।